बड़ी खबर हाजीपुर से, जहां पर 2 मई को नामांकन करेंगे चिराग पासवान। और नामांकन को लेकर के चिराग पासवान ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा चाचा पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर आने का निमंत्रण देंगे, नामांकन में शामिल होने का निमंत्रण दूंगा। निमंत्रण देना हमारा फर्ज है और फैसला उनको लेना है। ईवीएम पर भरोसा नहीं तो कांग्रेस राज्यों में सत्ता छोड़ दे, ये बात भी उन्होंने कही है जब ईवीएम पर सवाल उठाने की बात सामने आई थी। तो चिराग पासवान जो कि नामांकन करेंगे, और इस दौरान उन्होंने कहा कि चाचा पशुपति पारस को निमंत्रण भेजा जाएगा, आना ना आना उनका फैसला है। तो मैंने उनको हर कार्यक्रम में आमंत्रित तो मैंने उनको हमेशा किया, जब से पापा की बरखी से लेकर अभी तक अपने हर कार्यक्रम में मैंने उनको आमंत्रित कर रखा। नहीं आने का फैसला हमेशा उन्हीं का ही रहा। इसमें करेंगे आमंत्रित? मैं तो छूटा हूँ, मेरा तो फर्ज बनता ही अब आगे का फैसला होने। भाई अब सुप्रीम कोर्ट के डर दिखाया के बाद अब भी अगर कोई इस पे विवाद खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना करता है, न्यायालय की अवमानना करता है। जिस तरीके से अपनी टिप्पणी में बहुत सख्त रुख अपनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें यहाँ तक भी कहा गया है कि किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग और इस तरीके से बैलेट पेपर को लेकर जिस तरीके से दबंगइयों द्वारा ये कृत किया जाता था, कहीं ना कहीं उससे ईवीएम मशीन के आने के बाद उससे कहीं ना कहीं राहत मिली। देखिए विपक्ष बार बार पर ये कहती है कि भाई ईवीएम मशीन मैनिपुलेट की जा सकती है, तो आप क्यों नहीं आप छोड़ देते फिर कांग्रेस की सत्ता? तेलंगाना से आप क्यों नहीं इस्तीफा देते? जिन राज्यों में आपकी सरकार बन जाए वहां की ईवीएम मशीनें ठीक हो जाती है, और जहां पे आपकी सरकार नहीं बनती है वहां पे ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। और अभी दूर के नहीं, हाल फिलहाल के ही चुनाव कर्नाटका में हाल फिलहाल में हुए, हिमाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में हुए, तेलंगाना में हाल फिलहाल में, इन राज्यों में आपकी सरकार बन गई तो ईवीएम मशीन सही है। हकीकत है अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इनके पास कुछ है नहीं तो ईवीएम मशीन का दोष दे। और जो प्रधानमंत्री खुद इसी संविधान की वजह से 3-3 बार एक राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए, आज तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, तो कोई क्यों इस संविधान को हटाना चाहेगा? पर ये डर दिखाने का काम जिस तरीके से विपक्ष करता आया है, इस बार कम से कम देश की जनता और खास तौर पर बिहार की जनता, क्योंकि मैं हर सीट पे जा रहा हूँ, बिहार की जनता इस बार इस छलावे में आने नहीं वाली। और ये बात है बड़े अंतराल से बड़े मार्जिन से इस बार हम लोग 40 की 40 सीटें।